सलमान खान दो चीजों के लिए काफी फेमस हैं, एक तो इनकी फिल्में और दूसरी उनके अफेयर्स। संगीता बैजलानी से लेकर यूलिया बंतूर तक न जाने कितनी एक्ट्रेसेस से उनका नाम जुड़ चुका है, लेकिन कुछ वक्त से सलमान खान का नाम देशी नहीं बल्कि विदेशी लड़कियों से जुड़ रहा है। अगर हम कहें कि इन दिनों सलमान ग्लोबल सांवरिया बनते जा रहे हैं तो हम गलत नहीं हैं। उनका जादू फिरंग गर्ल्स पर कुछ ज्यादा ही चल रहा है। सलमान खान की जिंदगी में कई विदेशी लड़कियां आई हैं, कई लड़कियां उनकी फैन बनी तो कईयों से करीबी नाता जुड़ा। और आज हम आपको उन फिरंगी लड़कियों के बारे में बताएंगे जिनका नाम सलमान खान से जुड़ चुका है। यूलिया बंतूर। यूलिया बंतूर रोमानिया की मशहूर टेलीविजन एक्ट्रेस और होस्ट हैं। सलमान से यूलिया की मुलाकात डबलिन में हुई थी। वहां सलमान फिल्म बॉडीगार्ड की शूटिंग के लिए गए थे। सलमान और यूलिया एक बार मिले तो फिर बहुत अच्छे दोस्त बन गए। उसके बाद तो यूलिया का इंडिया आना जाना शुरू हो गया और फिर प्यार परवान पर चढ़ने लगा। इतना ही नहीं, कुछ टाइम पहले यूलिया और सलमान की मम्मी सलमा को मुंबई एयरपोर्ट पर साथ देखा गया था। सलमान की मम्मी जिस तरह यूलिया के साथ आई नजर, उससे साफ हो गया कि ये विदेशी हसीना ही बन सकती है खान खानदान की सबसे बड़ी बहू। कैटरीना कैफ। यूलिया से पहले सलमान खान की जिंदगी में बहार लेकर आई थी कैटरीना। बात 2004 की है, तब सलमान को ऐश्वर्या राय से प्यार में मिले जख्म के लिए मरहम की जरूरत थी। इसी समय उनका सामना हुआ लंदन से आई कैटरीना से। विदेशी बाला कैटरीना बॉलीवुड में अपने पांव जमाने के लिए ढूंढ रही थी सहारा। ऐसे में सलमान ने कैटरीना के सिर पर अपना हाथ रखा और दोनों ने फिल्म मैंने प्यार क्यों किया में साथ काम किया। जैसे ही सलमान से हुई उनकी दोस्ती, कैटरीना को जान गया पूरा इंडस्ट्री। सलमान खान के साथ 7 सालों तक रिलेशनशिप में रही कैटरीना और हर किसी को था उनकी शादी का इंतजार। लंदन की कैटरीना कैफ मिसेस सलमान खान बनने ही वाली थी कि उनकी लाइफ में आ गए रणबीर कपूर। भले ही कैटरीना अब सलमान के साथ नहीं है, लेकिन यूके की कैटरीना को बॉलीवुड में एस्टैब्लिश तो सलमान ने ही किया और यही वजह है कि कैटरीना के लिए सलमान अब भी हैं बहुत खास। जैकलीन फर्नांडिस। सलमान सिर्फ विदेशी लड़कियों से अफेयर को लेकर ही नहीं बल्कि दोस्ती के लिए भी मशहूर है। सलमान आए दिन किसी न किसी विदेशी लड़की को देते हैं अपने साथ प्यार करने का चांस। जी हाँ, अब श्रीलंकन ब्यूटी जैकलिन के साथ सलमान की कैसी बॉन्डिंग है ये शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है। जैकलिन तो सलमान की इस कदर दीवानी है कि वो सुल्तान को अपना लकी चार्म तक समझने लगी है। सलमान जैकलिन को फिल्म किक में चांस देकर स्टार बना चुके हैं और अब खबर है कि सलमान जल्द ही जैकलिन के साथ एक और फिल्म साइन करने वाले हैं। एमी जैक्सन। ब्रिटिश ब्यूटी एमी जैक्सन के साथ भी सलमान का अच्छा रिश्ता रहा है। पिछले दिनों खबर आई थी कि सलमान ब्रिटेन की रहने वाली एमी जैक्सन के साथ सिल्वर स्क्रीन शेयर करने की प्लानिंग कर रहे हैं। एमी जैक्सन को चुलबुल पांडे के साथ दबंग 3 में देखा जा सकता है। दरअसल दबंग 3 में इस बार सोनाक्षी सिन्हा के साथ एक और हीरोइन को कास्ट किया जाएगा। एली अवराम। सलमान के विदेशी प्रेम को समझना हो तो स्वीडिश ब्यूटी एली अवराम भी इसका अच्छा नमूना है। बिग बॉस से अपनी पहचान बनाने वाली स्वीडिश गर्ल एली अवराम पर तो सलमान कई साल से हैं कुर्बान। कहा तो ये भी जा रहा है कि सलमान खान इस फिरंग हसीना के साथ भी ऑन स्क्रीन रोमांस करने का बना रहे हैं प्लान। पामेला एंडरसन। सलमान खान की दोस्ती तो पामेला एंडरसन से भी खूब हुई। बिग बॉस में जब तक पामेला रही, मेहमान सलमान उनका रखते रहे खास ध्यान। शो में सलमान खान ने पामेला को हिंदी तक सिखाई। सलमान और पामेला की शो में अच्छी दोस्ती हो गई थी और पामेला ने सलमान की जमकर तारीफ की थी। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।